ओके, ताना जी की बात करें तो कैसी लगी आपको ताना जी मूवी, क्या बोलो? देखिए, ताना जी बहुत ही अमेजिंग मूवी है। मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप जाइए और थिएटर 3D में ही देखिए ये मूवी, क्योंकि अगर आप 3D में नहीं देखेंगे तो इस मूवी का कोई मज़ा ही नहीं है। और ये मूवी की अगर बात करें तो मूवी में अजय सर की एक्टिंग तो माशाल्लाह, मतलब अजय सर से ना नज़रें हट ही नहीं रही थी, इतनी अच्छी एक्टिंग वो कर रहे थे ना कि क्या बताए। ओके, थिएटर के अंदर किस तरीके का माहौल बना हुआ है अभी तक, क्या बोलना चाहोगे, कितना भीड़ है और कितना धमाल मचा है? टिकट्स के लिए ना हमें एडवांस बुकिंग करना पड़ रहा है, ये हाल हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी मूवी है, थिएटर में हमने देखा था जब बैठी थी मैं एग्जैक्टली, तो नारे लग रहे थे जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी, मतलब पूरा ना ऐसे इन्वायरमेंट बन गया था, इतना अच्छा लग रहा था यार, निकलने का मन नहीं कर रहा था थिएटर से, लग रहा था और एक मूवी देख लूँ इसकी, इतनी अच्छी लग रही थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। सैफ अली खान के बारे में क्या बोलोगे? माशाल्लाह, उन्होंने तो टक्कर दे दिया यार अजय देवगन को, ऐसा लगा नहीं था कि सैफ अली खान इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे, इतना अच्छा कर पाएंगे, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया है, मतलब निगेटिव किरदार है बट बहुत ही अच्छा निभाया है। मुझे लगा था कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के मतलब मुकाबले नहीं जा पाएंगे, बट वो उनसे भी अच्छा चले गए। ओके, और यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे काजोल और अजय देवगन के बारे में, काफ़ी समय के बाद दोनों पर्दे पर आए हैं नज़र तो? देखिए, ये लोग ना इतने दिनों के बाद वापस आए, इनकी केमिस्ट्री देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि इनको हमने बहुत सारी मूवीज़ में पहले देखा है, बट इतने दिनों के बाद ये आए हैं ना तो कुछ अलग सा ही लेके आए। यानी कि जैसे हमने देखा अजय देवगन उनकी वाइफ बनी है काजोल रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में तो है ही, तो उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करती हैं, उनके साथ स्ट्रांग खड़ी रहती है, वो लगता है कि यार ये रियल लाइफ कपल है। फिल्म का बेस्ट पार्ट कौन सा था? फिल्म का बेस्ट पार्ट वो जो लास्ट में वॉर हुई है, जो मतलब उसे देखना आई वॉज लिटरली शिवरिंग, मतलब इतना अच्छा था वो वॉर, मतलब अमेजिंग यार, वही पार्ट ना दिल को छू गया है। गाने कैसे? शंकरा रे शंकरा बजा दिया यार, मतलब इतना सही सॉन्ग है ना, और जो ट्रैक सॉन्ग चलता रहता है ना मूवी के बीच में, दिल को छू गया एकदम। ओके, कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो बोल के आप सुना सकते हैं? एक डायलॉग तो सारे ही दमदार है, बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें चूज़ करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है कि बेस्ट कौन सा है वर्स्ट कौन सा है, लेकिन अगर डायलॉग्स की बात करें तो सारे डायलॉग्स बहुत ही अमेजिंग है यार। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5, फुल ऑन 5 आउट ऑफ 5, और कल भी मैं जाऊंगी ये शो ज़रूर देखूंगी। फुल पैसा वसूल है, आप भी जाइए और ज़रूर देखिए। इसमें कितने करोड़ की कमाई करी? 300 करोड़ तो कर ही सकती है। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी और थिएटर के अंदर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या बोलना? ताना जी फिल्म देखी मैंने अभी, थे एक्चुअली रेस्पॉन्स भी अच्छा है, काफ़ी ऑडियंस थी, मैंने खुद अभी का शो देखा है, और अजय देवगन का परफॉर्मेंस एंड सैफ अली खान, उन्होंने तो कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। और काजोल की बात करें तो एक्चुअली कहानी बेस क्या देखो, पहले ये पहले की कहानी है, और मोस्टली क्या कि छत्रपति शिवाजी को सारे लोग जानते हैं और भी, लेकिन ताना जी को मोस्टली बहुत कम लोग, मतलब स्टोरी उनके सामने आती है या फिर लोग उनको जानते हैं, तो इस वजह से उनके बेस पर ये मूवी बनाई है, और सबके जो किरदार है उन्होंने भी अपने अच्छे तरीके से निभाए हैं। डायरेक्शन कैसी लगी आपको? डायरेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, डायरेक्शन है, VFX है, म्यूज़िक है, सबको बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने लेकर चले हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उसको परफेक्ट तरीके से उसको ओके किया है। ओके, एक्शन की बात की जाए तो एक्शन कितना दमदार लगा आपको इसमें? देखो, एक्शन की बात की जाए तो वैसे तो खुद अजय देवगन खुद एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं, और फिल्म के रिलेटेड जिस तरीके से पहले लड़ाइयाँ होती थी या कुछ होता था, तो उस तरीके की एक्शन सीन लिए हैं, उस तरीके से ही बहुत सारी लड़ाई दिखाए, तो एक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिए हैं, और VFX किए हैं एक्शन को लेकर। गाने की बात करें तो गाने कैसे लगे आपको? गाने भी सब मतलब जो भी गाने हैं वो अच्छे हैं, और म्यूज़िक भी अच्छा है। फिल्म का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? एक्चुअली मैंने फिल्म देखी तो जो पहला पार्ट था वो तो एक्चुअली चली था, लेकिन पिक्चर फिल्म का सेकंड पार्ट जो है ज़्यादा इज इन बेटर, मतलब पिक्चर बांध के रखी कि ऐसा नहीं कि जैसे पब्लिक बोर कहीं ना कहीं हम बोर हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा जाने लगता है, ये कि फिल्म जब देखेंगे तो पहला पार्ट तो एक दिन चलता है, लेकिन इंटरवेल के बाद में फिर कहानी जो है ऑडियंस को फिल्म की कहानी बांध के रखती है। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे, डायरेक्शन कैसी लगी आपको? मैंने कहा ना कि डायरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से उसको डायरेक्ट किया गया है, मतलब एक एक चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से लेकर चले हैं, और सबके किरदार को भी वो लेकर चले हैं, जितने भी किरदार हैं अजय देवगन सैफ अली खान काजोल शरद केलकर सब ने अपने किरदारों को बखूबी से निभाया है। ओके, कितने करोड़ की कमाई करेगी क्या लगता है आपको? देखो तो बिजनेस अभी इस वैसे भी ये फ्राइडे को 3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे को छपाक हो गई, ताना जी हो गई, फिर दरबार थी। अब देखो जिसका होता है अभी तो वीकेंड स्टार्ट है,
कल रिलीज़ हुई हैं वो कल के बाद कंफर्म होगा। बट ये है कि सब, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ताना जी जितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं सब अच्छा बिजनेस करें और सबका अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि अभी वीकेंड है तो हो सकता है कि लोग एक नहीं दो दो या तीनों फिल्में भी देख लें। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? मैं इसको 5 में से 4 दूंगा। थैंक यू सो मच। ताना जी आपने मूवी देखी, ताना जी आपको कैसी लगी? अच्छी मूवी है, काफ़ी हिस्टोरिक पे हिस्ट्री पे बेस्ड है, इट्स अ नाइस नॉलेज गेन होती है उस मूवी से। ओके, काजोल और अजय देवगन की बात की जाए तो काफ़ी समय के बाद दोनों ऑन स्क्रीन आए हैं, तो अच्छा लगता है उन्हें देखने। इट्स अ नाइस मूवी एंड दे हैव एक्टेड वेरी वेल। ओके, यहाँ पे अगर बात की जाए सैफ अली खान के बारे में, हीलन का कैरेक्टर प्ले किया, इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट ही हैज़ प्लेड एंड इट्स वेरी नाइस एंड आई लाइक द वे ही हैज़ कैरिड आउट हिज ओन कैरेक्टर। व्हाट अबाउट सॉन्ग, वो कैसा लगा आपको? सॉन्ग्स आर नाइस, गुड सॉन्ग्स। ओके, लोगों को रिकमेंड करोगे इस फिल्म के लिए? यस, आई रिकमेंड एवरीवन टू वॉच द मूवी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? 3-3.5। थैंक यू सो मच। तो ताना जी आपने देखी, ताना जी के बारे में क्या बोलोगे और हाउसफुल थिएटर के अंदर क्या बोलोगे, कितना हाउसफुल है ये थिएटर? पूरा फुल था एंड मूवी बहुत अच्छी थी, वॉर सीक्वेंसेस भी बहुत अच्छे थे। स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी बहुत अच्छी थी, वो हिस्टोरिक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, तो वी गेट टू लर्न अ लॉट ऑल्सो। ओके, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, वो कैसी लगी? डायरेक्शन बहुत अच्छा था, फाइट सीक्वेंसेस वो वेरी गुड एंड डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे थे। स्टार कास्ट की बात करें तो क्या बोलना चाहोगे? सैफ अली खान हो गए, अजय देवगन हो गए, शरद हो गए, काजोल हो गए। सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे सैफ अली खान की लगी, इट वॉज अ डिफरेंट रोल, इट वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर, बट उन्होंने बहुत अच्छी से किया वो। काजोल और अजय देवगन के बारे में क्या बोलना, काफ़ी समय के बाद दोनों ऑन स्क्रीन आए, उन लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इवन एज अ ताना जी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। गाने के बारे में क्या बोलना? गाने बहुत एनर्जेटिक थे, यू नो जैसे ही सुनते हो ऐसे डांस करने का मन करता है, इट वाज रियली गुड। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4। थैंक यू सो मच। हाउ वाज द मूवी, कैसी लगी मूवी? था मूवी बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। अगर हम इस मूवी को अदर हिस्टोरिक मूवीज से कंपेयर करें तो इट वॉज क्वाइट गुड और बहुत एनर्जी थी मूवी में। मूवी की स्टार्ट में एकदम एनर्जी थी और ऐसा लगा ही नहीं कि मूवी में कभी भी बोर हुआ। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, हिस्टोरिक मूवी थी इसलिए बहुत लर्न करने को मिला एंड बहुत अच्छे से समझाया हमको, बहुत नरेशन बहुत अच्छी थी। डायरेक्शन कैसी थी? डायरेक्शन भी मुझे बहुत, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, स्पेशली सैफ अली खान, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और सॉन्ग्स बहुत अच्छे से किए, डांस भी अच्छा था, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। काजोल और अजय देवगन के बारे में बात की जाए तो काफ़ी समय के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद वो दोनों ऑन स्क्रीन आए हैं, तो उनकी केमिस्ट्री आपको कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी थी, अजय देवगन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, काजोल ने भी अच्छी की और केमिस्ट्री उनकी अच्छी थी। थिएटर की बात की जाए तो थिएटर के अंदर कितना हाउसफुल है, क्या बोलना चाहोगे, माहौल किस तरीके का बना हुआ? थिएटर हाउसफुल था और हमारे जिस थिएटर में हम गए थे उसमें बहुत सारी स्क्रीन्स पे ताना जी चल रही थी, तो इंटरवल के टाइम सब बाहर बहुत भीड़ थी उधर। लोगों को रिकमेंड करोगे इस फिल्म के लिए आप? डेफिनेटली, बहुत अच्छी थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार होंगे? 4-4.5। थैंक यू सो मच। अगर बात की जाए ताना जी के बारे में तो आपने अभी मूवी देखकर आए हैं, तो कैसी लगी आपको फिल्म? मूवी बहुत अच्छी है, ऑसम मूवी है, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, वीएफएक्स इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया मूवी को। डायरेक्शन कैसी लगी आपको, डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे? डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, मूवी देखने में ऐसा नहीं लगा कहीं बोर हो रहे हैं या ऑड फील हो रहा, एंजॉय किया मूवी। स्टार कास्ट के बारे में क्या बोलोगे, अजय देवगन हो गए, सैफ अली खान हो गए, काजोल, शरद, क्या बोलोगे? स्टार्स ऑलरेडी बिग स्टार्स है, एक्टिंग के मास्टर्स है, तो उनके बारे में जितना बोला जाए कम है, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। सैफ अली खान के बारे में बात की जाए तो ओमकारा में वो लोग साथ में थे, अजय देवगन और यहाँ पे सैफ अली खान, तो इस फिल्म में कितना दमदार लगा उनका विलेन का कैरेक्टर, क्या बोलोगे? ऑलरेडी दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दोनों एक्टर भी बहुत अच्छे हैं एंड एक्टिंग तो अच्छे करती है, तो कैरेक्टर वाइज इनकी एक्टिंग अच्छी लगी दोनों की। गाने कैसे लगे? गाने ठीक है, नॉर्मल। फिल्म का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? बेस्ट पार्ट मुझे वीएफएक्स एक्शन सीन्स बहुत अच्छे लगे, जो टाइमिंग में दिखाया गया वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 स्टार। थैंक यू।